कितनी प्यारी टोपी है ना। इसे देखकर मुझे बर्थडे पार्टीज याद आ रही हैं। बर्थडे पार्टीज यानी केक, आइसक्रीम। और ये है मेरे पास आइसक्रीम कोन। इसे कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोन है, कोन यानी कि शंकु। तो चलिए आज हम बात करते हैं शंकु के बारे में। देखिए, ये मेरे पास एक ठोस शंकु है। इस शंकु में यह है इसका शीर्ष, यह है इसका पार्श्व पृष्ठ और यह है इसका आधार। इसका आधार कैसा है देखिए ध्यान से, वृत्ताकार। इसके साथ ही साथ इस शंकु में इसके शीर्ष से लेके इसके आधार की जो दूरी है, ये इसके शीर्ष से लेकर इसके आधार की जो दूरी है, ये जो लंबाई है, इसे हम कहते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। और यदि हमें इसकी लंबवत ऊंचाई चाहिए, जिसे हम स्मॉल एच से दिखाते हैं और तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल एल से दिखाते हैं, तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकेंगे? कोई भी शंकु अगर हमारे पास इस प्रकार का है तो इस तरह से लंबवत इसे लीजिए और ये देखिए, इस प्रकार इसकी आप लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर सकेंगे। तो हमने बात की इसकी तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल, इसकी लंबवत ऊंचाई स्मॉल एच, और साथ ही साथ इसमें होता है आधार की त्रिज्या स्मॉल आर से हम जिसे दिखाते हैं, उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमारे पास इस प्रकार का ठोस शंकु है तो हम तो सिंपली इसे, इसका ये जो सेंटर दिख रहा है, यहाँ से इसकी परिधि की जो दूरी है, ये इसकी त्रिज्या होती है, इसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, इसे देखकर हम यह तो समझ गए कि ये त्रिविमी है, और हमने इसके पहले घन, घनाभ और बेलन एक पेपर शीट से प्राप्त किया था, उससे बनाया था उसे। बिल्कुल उसी प्रकार मैंने यहाँ पर देखिए ये एक शंकु बनाया हुआ है, और इस शंकु को यदि हम खोल कर देखेंगे तो हमें इसका पृष्ठीय जाल भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसका आधार बना हुआ है, ये है शंकु, ये इसका पार्श्व पृष्ठ, ये इसका शीर्ष। तो अब हम इसे खोलकर देखते हैं और इसके पृष्ठीय जाल को समझने के लिए हम आगे अपना क्रियाकलाप करते हैं। इसे खोलते हैं, ये देखिए, सबसे पहले इसे यहां से हम खोल ले रहे हैं। ये मैंने इसे सेलो टेप से चिपकाया था, उसे मैं खोल लेती हूँ। ये खुल गया और अब हम इसे यहां से खोल लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इसका आधार अलग हो गया। अब हम इस शंकु को भी यहां से इसकी तिर्यक ऊंचाई से खोल लेते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए ध्यान से, ये है इसका पृष्ठीय जाल। ये देखिए, तो शंकु को खोलने पर इस प्रकार का पृष्ठीय जाल हमें दिखाई देगा। ये देखिए, एक ये आधार है आपका जो वृत्ताकार यहाँ पर आपको दिख रहा है, और दूसरा उसका जो पार्श्व पृष्ठ है वो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो ये है शंकु का पृष्ठीय जाल, है ना। तो ये जो आधार है इसका वृत्ताकार हुआ, और ध्यान से देखिए जिससे इसका पार्श्व पृष्ठ बन रहा है, ये पार्श्व पृष्ठ कैसा है ये देखिए, ये एक वृत्त जिससे एक त्रिज्या खंड कटा हुआ है। इस प्रकार का पार्श्व पृष्ठ हमें किसी भी शंकु का मिलेगा।